अपने पढ़ाई और तैयारी के लिए आप केवल NIOS के स्टडी मटेरियल, शिक्षण सामग्री पर ही भरोसा रखें। और अब जब आप परीक्षा दे चुके हैं तो आपने आए पाया होगा कि प्रश्न केवल हमारे मटेरियल से ही पूछा जा रहा है, जो आप स्वयं पर पढ़ सकते हैं, जिन पर आधारित लेक्चर्स आप स्वयं प्रभा पर सुन सकते हैं, या ये मटेरियल आप NIOS के वेबसाइट से डाउनलोड करें या हमारे ऐप पर जाके पढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया अभियान को ध्यान में रखते हुए NIOS द्वारा शिक्षार्थियों तक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज द्वारा भी पाठ्य सामग्री पहुंचाई गई। हम एक डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप स्वयं डिजिटल नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे बताएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप स्वयं डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करें और उससे आप वाकिफ रहें, फेमिलियर रहें, फ्रेंडली रहें, तभी आप बच्चों को भी बता सकेंगे कि कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। प्रयोगात्मक गतिविधियों का समन्वय राज्य सरकार के अंतर्गत SCERT डायट एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक इस कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम यानी PCP, विद्यालय आधारित गतिविधियां यानी SBA, TMA और स्वयं प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई के साथ साथ कोर्स कोऑर्डिनेटर से संपर्क कार्यक्रम चलाए गए। PCP की 100% पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं प्रभा के वागदा चैनल 32 पर सप्ताह में 5 दिनों तक 2 घंटे के सजीव प्रसारण को प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षणरत शिक्षार्थियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए सजीव प्रसारण के साथ साथ सभी वीडियो कार्यक्रम की DVD सभी शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई। शिक्षार्थियों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों का प्रसारण स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 25 पर बंगला, असमी, उड़िया एवं तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों PCP की समीक्षा भी समय समय पर की गई। गुणवत्ता परक शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन राज्य स्तर पर कराया गया। इन कार्यशालाओं के दौरान प्रशिक्षित हो रहे शिक्षार्थियों के कौशल एवं उत्कृष्ट कार्यों का अवलोकन भी किया गया। देशव्यापी स्तर पर संसाधन सेवक, रिसोर्स पर्सन, परामर्शदाता, मेंटोर, अध्ययन केंद्र समन्वयक, स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर को भी प्रशिक्षित किया गया। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए NIOS एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ आगे बढ़ा और प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा अध्यक्ष महोदय के उचित मार्गदर्शन और योजनाबद्ध नीतियों का अनुसरण कर संस्थान ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। भारत जैसे विशाल देश के सभी अप्रशिक्षित सेवारत प्राथमिक शिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षित करना एक कठिन लक्ष्य जरूर था, किंतु NIOS के अनुभवी एवं कुशल कर्मियों ने यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। NIOS द्वारा प्रथम सत्र की 3 विषयों की परीक्षा पूरे देश में 31 मई से 2 जून 2018 को पूर्णतः कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। 10 भाषाओं में चलाए गए इस कार्यक्रम में एक विशेष बिंदु यह भी रहा कि परीक्षार्थी किसी भी भाषा में उत्तर पुस्तिका एवं असाइनमेंट लिखने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही साथ दिव्यांग परीक्षार्थियों को विशेष सुविधाएं नियमानुसार प्रदान की गई। इस परीक्षा में देश भर के करीब 12.5 लाख शिक्षक 3,186 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए सम्मिलित हुए। इस विशाल शैक्षिक आयोजन को सफल बनाने के लिए एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी PIC का गठन सदस्य सचिव NCTE श्री संजय अवस्थी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की पूर्ण सफलता हेतु PIC की 9 बैठकें संपन्न हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर कई निर्देश दिए गए। करीब 12.5 लाख परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी गोपनीयता को सुनिश्चित कर प्रवीण एवं अनुभवी परीक्षकों द्वारा किया जा रहा है। संपूर्ण देश के सभी राज्यों में पूर्णतः कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई।